काम में टांग अड़ाना जरूरी है क्या आपका? सबके सामने उस अमीरजादी ने आपकी इज्जत उतार दी, पता नहीं कहां की राजकुमारी समझती अपने आप को। पैसे की अकड़ है मधु, पैसे की। उन्हें पैसे की अकड़ है और आपको पैसे की पकड़ है जो कभी छूटती ही नहीं है। अरे कम से कम कंजूसी करने से पहले थोड़ी दिमाग तो लगा लिया करो। और आप वकील हो ना, तो बहस किए बगैर उसकी बात आप सबके सामने इतनी आसानी से मान कैसे गए? नहीं माना मैं। नहीं माना मैं, क्या माना? पता है मुझे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं आप। देखा था मैंने कैसे उंगलियां दिखा दिखा कर उससे इशारों में बातें कर रहे थे। अब क्या छुपा लूं, ऐसे कर लूं क्या? ऐसे ऐसे करके बात करूं? सामने उंगलियां बात होती है। और दूसरी बात, वो मीरा है ना, उसे रोकने के लिए जो कुछ बन सकता था ना, मैंने किया, मैंने। रुक गई है वो, बात कर रही हो। पता है मुझे। पापा ये आपकी कोई चिट्ठी आई है? अरे तू क्या देख रही है, इधर लाना। दे इधर। हाँ ला। बातें सुनो, हो लग रहा कुछ। क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। तू क्या कर रही है यहाँ पर? तू जा नीचे, जा चल जा। जाना, क्या हो गया भाई, ऐसे मुंह क्यों बना रहे, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है ना। आप रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं पानी की जरूरत नहीं है, मैं नीचे जाते जाते पी लूंगा, वो ताजी हवा खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अरे बट मेरे को दिखाइए चिट्ठी में क्या लिखा है। नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे लायक नहीं है, मैं हवा खाने जा रहा हूँ, थोड़ी मुफ्त की भी है। अरे हवा, ताजी हवा खाऊंगा ना, मुफ्त की हवा मिल जाएगी नीचे, परेशान मत हो। अच्छा मेरी बात मान और प्लीज जाकर अमन को बनाना। तू इतना कुछ गूफ अप कर लेती है ना मीरा, कि पता नहीं वो तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अच्छा कौन से कैफे में जा रही हो उससे मिलने? अरे कैफे का नाम ना फोन पर है। अच्छा पहले ये बताओ ना कि मैं कौन सा इयररिंग पहनूं? देखो पहली बार वो मुझे नॉर्मल देखेगा, आई होप। होप कुछ नहीं मीरा, देख अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज, ऑलरेडी तो बहुत कुछ गूफ अप कर चुकी है। दो मिनट प्लीज ना। अच्छा वो इयररिंग्स दिखा एक मिनट। देख ये जो लंबी वाली इयररिंग्स है ना, वो तेरे कपड़ों से मैच कर रही है। सो आई थिंक 60-40। टेन एक सेकेंड। अच्छा ये देख गोल वाली तेरे फेस पे बहुत अच्छी लग रही है, सो 70-30। तो आई थिंक दोनों में। अच्छा एक मिनट, मैं कॉल करती हूँ, कॉल करती हूँ। हेलो कट गया? अच्छा हुआ। मीरा जी आपकी टैक्सी है। आपकी टैक्सी आ गई है, आप आराम से कैफे के साथ अमन में जा सकती हैं। क्या? नहीं मीरा जी टैक्सी आ गई है, अब आप आराम से अमन के साथ कैफे में जा सकती हैं। मेरे फेस पे कुछ फिर से हुआ है क्या कहीं पर भी? तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं सॉरी, वो मेरे को आपको ये कहना था कि आपने जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। उफ, ये सॉरी थैंक यू इसके अलावा तुम कुछ भी बोलते हो कभी भी? सॉरी। एक मिनट। ये तो तुम्हारा डिपॉजिट। थैंक यू मैम। मेंशन नॉट सर जी। अब जब कभी भी तुम मुझे मैम बोलोगे तो मैं तुम्हें सर बोलूंगी, सिंपल। अच्छा एक मिनट प्लीज तुम ही मुझे बता दो ना कि मैं कौन सा इयररिंग पहनूं, ये वाला या ये वाला, जो आपकी चॉइस हो। वाओ इतने ओरिजिनल सजेशन के लिए थैंक यू। हाँ मैंने तुमसे पूछा है ना, तुम मेरी चॉइस छोड़ो, तुम बताओ ना कि कौन सा पहनूं। मीरा जी देखिए मैं एकदम गलत आदमी हूँ ऐसे सवालों के लिए। माय गॉड ये आदमी, बताओ ना प्लीज। देखिए मुझे सब कुछ सिंपल पसंद है, तो आप इतनी ब्यूटीफुल हैं तो
मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह की ऐसी चीज पहनने की जरूरत। झुमके थोड़ी ना दिखाने, ब्यूटी दिखनी चाहिए ना। बाय मैम। मीरा जी, ठीक से कर, देख दे रहे, अंग्रेजी मैडम देख रही है, थोड़ा अच्छे से कर रहे। Good job, Abhishek. Well, चाली खत्म हो गई। It seems nice. Thank you. कल क्या आप लोग आके फैसल जी क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो क्या? टेंशन मतलब भैया, मीरा जैसे मेरी फ्रेंड बन गई ना, आपकी भी फ्रेंड बन जाएगी। अरे वो सब तो ठीक है रोहन, पर जब सब कुछ अच्छा होता है ना तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। अरे ऐसा मैं नहीं, ऐसा मर्फी कहता है, वो स्कूल में पढ़ा था ना, मर्फीज लॉ। रोहन क्या कर रहा है? यार संजय, ये किस साइडी से छोटे से होटल में ठहराया तूने मीरा को? हमारे यहाँ इतने अच्छे होटल्स हैं, किसी अच्छी जगह ठहराना था यार। अरे अमन चिल कर यार, वो मेरे दोस्त का होटल है, और वैसे भी वहाँ तू मीरा से मिलने गया है या पंत परिवार से? बट यार ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ देखते हैं, मीरा को मिलने के बदर को ये बात इरिटेट करती है या नहीं। अरे वैसे भी उसे देखते ही तू सब भूल जाएगा। Oh, really? अरे 100% bro. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पंत भवन होम स्टे से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा। All right, done. और हाँ, no cheating, okay? Brother, everything is fair in love and war. Bye. Hi, Meera. Is it for you? Thank you. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello. How is everything, sir? Too good. Just too good. What would you like, sir? What will you have, Meera? अंकल आपके पास आइस टी होगी? यस मैम। हाँ तो एक आइस टी कर दीजिए। थैंक यू सर। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। या शो। वो जो मैंने होटल में रहने का डिसीजन लिया था ना, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानना चाहती थी, पर वो लोग मेरे साथ इतने अच्छे थे। आई मीन जब तुम उनसे मिलोगे तो ऐसा लगेगा नहीं, पर एक बार जान पहचान लोगे तो। सही कहा था ब्रो, मीरा सामने बैठी है एंड शी इज ब्यूटीफुल, फोटो से भी ज्यादा। आई बेट मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी की भी इससे खूबसूरत वाइफ नहीं होगी। तो तुम इस बात से ओके हो ना? या मीरा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। देखो तुम्हें जैसे ठीक लगता है तुम वैसे करो, इट्स फाइन विद मी। थैंक गॉड, मुझे ये लग रहा था कि तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे या पता नहीं क्या सोचोगे। मीरा, अगर मैं शादी का इरादा रखता हूँ तो समझना तो पड़ेगा ना। एक्सक्यूज मी सर, योर ऑर्डर। एक्सक्यूज मी अंकल,
ये कैसे पता लगता है कि कोई इंसान आपका सोलमेट है या नहीं? सोल? अरे मतलब जीवन साथी, मन का मीत, आन मिलो सजना, वो सब नहीं, मैं लाइफ पार्टनर पूछूं। आंखें बंद करो और सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। क्या आने वाले समय में 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद उस इंसान के साथ तुम खुशियां बिता पाओगी? Not a bad idea. मैं ट्राई करती हूँ। एक मिनट। शाहरुख खान दे। कल को लगेगा कि मैं पागल हूँ। कंफ्यूज तो हमेशा से रहती थी, अब मैं लगेगा पता नहीं। लड़का दिखता अच्छा है, फैमिली भी रिस्पेक्टेबल है, लेकिन जब मैं आग बंद करती हूँ तो मुझे नहीं दिखता है। और अगर मैंने अमन से शादी की तो पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाय। हाय। सो मीरा, द थिंग इज, मैं तुमसे शादी तो पहले से करना चाहता था, ये मिलना मिलाना ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। तो अगर तुम हाँ करती हो, आई मीन अगर हम दोनों हाँ करते हैं तो हमारी फैमिलीज मिल सकती हैं और हम दोनों के इस फैसले से वो काफी खुश होंगे। दे विल बी प्राउड ऑफ अस। व्हाट डू यू से? ओके। मान गई? हाँ। Yay! I am so happy for you. बेटा, I am so proud of you. शाबाश, that's like my good girl, huh? Seriously, पापा? Of course, बेटा, of course. Yeah. अब तुम बस देखते रहो। मैं हमारी दोनों बेटियों की शादी कैसे धूमधाम से करवाता हूँ। Of course. मीरा, तू खुश है ना? हाँ, मैं। Listen, everybody. मैं रखता हूँ। भाई इतने सारे लोगों को गुड न्यूज भी तो सुनाना है। हाँ, ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। चलो बाय मीरा। बाय मीरा। हैव फन। बाय मीरा। आर यू देयर? हाँ हाँ मॉम। तुमने किसी के प्रेशर में आके तो हाँ नहीं की ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मॉम, अमन आ गया, मैं आपसे आराम से बात करती हूँ, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। ज़्यादा टाइम नहीं लग गया एक छोटी दीवार पूरी होने में? अब बड़े भैया, हम तो कब्बे का पूरा कर दिए होते, आप तो सब कुछ जानते ही हैं ना। चलो ठीक है, ये 1000 रुपए आपको देने कितने? 3000। अच्छा, आप वो सीमेंट वगैरह लाए थे उसका? 2 बोरी बालू भी लाए थे और लास्ट में 10 गो ईटा भी लाए थे। ठीक ठीक है, ठीक है। पर्चियाँ दे दी थी आपने मेरे को? दिए थे ना भैया। ठीक है, ये 2500। ये धन्यवाद, काम पूरा हो गया देर से ही। सही जी भैया, राम राम। याद करेंगे आप? 3000 रुपए यहाँ गए और 3000 दीवार का काम पूरा हो गया।
मीरा हमारे घर वाले हमारे डिसीजन से काफी खुश हैं, बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे सब फाइनलाइज करने। Isn't it great? Actually, मीरा मैं तुमसे रेस्टोरेंट में एक बात कहना चाहता था, but I think ये सिचुएशन थोड़ी ज्यादा बेहतर है। What do you say? मीरा एसी ऑन है यार? हाँ, वो ये देवपुर की हवा बहुत फ्रेश है ना, इसलिए। मीरा बी केयरफुल मीरा। या आई एम फाइन। ये शादी वगैरह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये सब के लिए रेडी भी है? अगर मैंने शादी कर ली तो आप खुश हो जाएगी ना मॉम? चाचा? हाँ, क्या हुआ? नहीं ऐसे, बस थोड़ा दिख रहा। चाचा प्लीज, आज दिन में जो कुछ भी हुआ आप उस बात को लेके परेशान हैं, प्लीज भूल जाइए ना उसे। ये बड़े बड़े होटलों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नहीं नहीं, वो मैं कुछ और नहीं, मैं कह रहा था चाचा कि अगर मैं इस बार आर्मी कैंटीन से आपके लिए दो बॉटल्स लाऊं तो कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। अच्छा अभिषेक। हाँ चाचा। वो बड़ा डेलीगेशन आने वाला था ना अपना, स्टेफनी वाला। हाँ स्टेफनी वाला। हाँ कितना पेमेंट मिल जाएगा उससे? नहीं अंदाजा, मतलब आइडिया, जस्ट टू नो। मेरा सर अंदर कर लो प्लीज, हम टाउन में आ गए हैं, यहाँ गाड़ियाँ काफी चलती हैं। गुड आइडिया। मत होना, मेरे हाथ से स्टेयरिंग से हाथ स्लिप हो गया था। I'm sorry. एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं हुआ, गाड़ी मैं चला रहा था। Listen, I'm really sorry. मीरा सिर्फ मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। Sorry. मैं वो गाड़ी मैं ही चला रही थी, अमन मुझे बचाने के लिए सब बोल रहे हैं। तुम उसकी बात मत सुनना, गाड़ी मैं चला रही थी। I'm sorry. कुछ बोलो प्लीज, कुछ बोलो, कुछ तो बोल दो। थैंक गॉड तुम हिले तो सही। अब देखो तुम्हें मुझे जो सुनाना है तुम सुना दो। आई एम सॉरी। आप लोग ठीक है? मतलब कहीं चोट, कुछ झटका, कोई स्प्रे ना आया हो? मैं स्प्रे मंगवा देता हूँ, अंदर फर्स्ट एड में है। नो वी आर ऑल राइट। पक्का ठीक है? That happened to the wall? It was an accident. I'm in shock too. Hi, kya awaaz aayi thi? Kya? Abhishek. देखो दीवार। राजी जी, इतनी जरूरी दीवार कैसे गिर गई? अरे कैसे, क्या पूरी गाड़ी टकरा दी? आंटी सॉरी, मैं गाड़ी चला रही थी, वो स्किड हो गई।
इतनी बड़ी दीवार तुमने एक ही झटके में गिरा दी, कितना बड़ा नुकसान हो गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.